आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में मैं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव, आपके साथ मैं हूँ दीपिका यादव। तो फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन का वक्त हो गया, मतलब ये हो गया है कि अब आपको थोड़ा सा अपने ड्रॉइंग रूम में रहकर स्ट्रेच भी करना है, कुछ अपने आप को वार्म अप करना है और साथ ही साथ तमाम खबरों से भी अपडेट होना है। बिल्कुल, इसी के साथ आप लोग सुबह उठ जाइए, सुबह की शुरुआत एक्सरसाइज के साथ करिए, क्योंकि आप भी खुद महसूस करेंगे कि पूरा दिन कितना एक्टिव आप महसूस करते हैं और अच्छा फील करता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बुलेटिन को देखने के साथ ही साथ ना आपको सब कुछ पता चल जाएगा, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, एंटरटेनमेंट में क्या हो रहा है, स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है, देश दुनिया कोरोना वॉर सब कुछ। बिल्कुल जरूरी हो जाता है फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन देखना, क्योंकि आज दिन भर की जितनी भी बड़ी खबर है उससे जुड़े हर एक अपडेट, उससे जुड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन इस बुलेटिन में आपको मिलेगी। वैसे श्वेता, आज हम अपना वर्कआउट करने के लिए एक बार फिर से जिम में आए हैं, क्योंकि बाहर जो टेम्परेचर है दिल्ली एनसीआर में वो काफी ज्यादा है, कल के मुकाबले आज और ज्यादा ठंड है, लेकिन यहाँ पर भी आना बहुत आसान नहीं रहा, हाथ जम जाते हैं, इतनी ठंड है यहाँ। लेकिन दिल्ली की सर्दी तो फेमस ही इसीलिए, और मुझे तो वैसे भी विंटर्स बहुत पसंद है, लेकिन पता है दिल्ली की सर्दी की एक और खास बात, इस साल पहाड़ों पर जितनी सर्दी पड़ रही है ना उससे भी ज्यादा दिल्ली में सर्दी पड़ रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जीना मुहाल कर रही है। राजधानी दिल्ली में अगले 3 दिनों तक के लिए अलर्ट जारी किया गया है। भीषण ठंड के बीच लोग अलाव जलाकर खुद को गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में बुधवार को तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस रहा, नोएडा का तापमान 5 डिग्री रहा, जबकि अमृतसर का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस रहा, शिमला में पारा -3 डिग्री रहा और लखनऊ में तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहा। राजस्थान के चूरू में तापमान 3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बुधवार को दिल्ली और पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के कई इलाकों में ज्यादा ठंड रही। देहरादून और नैनीताल का तापमान भी दिल्ली के मुकाबले गर्म रहा। जम्मू का तापमान भी दिल्ली से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में अगले 3 दिन ठंड और बढ़ेगी। इस बीच दिल्ली वालों को प्रदूषण भी परेशान कर रहा है। दिल्ली का AQI लगातार 300 के पार बना हुआ है। सर्दी और प्रदूषण का डबल अटैक अस्थमा के मरीज और बच्चों के लिए ज्यादा घातक है। तो दिल्ली एनसीआर में ही ना सिर्फ बल्कि उत्तर भारत के कई शहरों में कड़ाके की ठंड पड़ी, और ऐसे में जरूरी है कि अगर आपके शहर में भी ज्यादा ठंड है तो गर्म पानी पीते रहें, ताकि जो आपका शरीर है वो अंदर से भी गर्म महसूस करे और बीमार ना पड़े, क्योंकि बच्चे बड़ी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। बच्चे बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, और बात अगर हल्द्वानी की करें तो वहाँ के पेरेंट्स ही इतने परेशान हैं कि अपने बच्चों का ख्याल तो वो बाद में रखें, क्योंकि उनके सामने उनका घर खो जाने का इस वक्त उन्हें डर सता रहा है। यानी कि इस भीषण ठंड में अगर कुछ गर्म है तो वो है इस देश की सियासत। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी के वन भूलपुरा इलाके में ना तो कोई बाहरी अंदर दाखिल हो सकता है और ना ही वहां का कोई बाशिंदा बाहर जाने को तैयार है। वजह है रेलवे की 78 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा। सर्द मौसम में सड़क पर बैठे ये वो लोग हैं जिनके आशियानों पर बुलडोजर चलने का खतरा मंडरा रहा है, जो कभी भी बेघर हो सकते हैं। रंग मजहबी देने की कोशिश हो रही है। ये जो हल्द्वानी उत्तराखंड में क्या किया इन लोगों ने, कि हजारों जो है लोगों को, जिसमें मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा है, उनके घर डिमोलिश करना चाहते हैं, उनको घर से बेघर करना चाहते हैं, लोगों को घरों से निकाल रहे हैं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की नफरत बढ़ा के ये आपस में लड़ाना चाहते हैं। हल्द्वानी से कांग्रेस पार्टी के विधायक सुमित हृदयेश अवैध कब्जेदारों के समर्थन में हैं। हल्द्वानी अतिक्रमण मामले की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में है। पूर्वोत्तर रेलवे ने नोटिस जारी करते हुए कहा है कि 7 दिन के अंदर जगह खाली करने की मियाद दी है। तो वाकई में जो टेंशन है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि सालों साल लग जाते हैं लोगों को अपना घर बनाने के लिए, और यहाँ पर ऐसी मुसीबत उनके सामने है कि वो घर अब रहेगा भी या तोड़ दिया जाएगा। और यही टेंशन सिर्फ वहां पर नहीं है, क्योंकि कई और ऐसी सोसाइटीज है जहां पर इस तरह की टेंशन चल रही है। बात करें ग्रेटर नोएडा की अजनारा सोसाइटी की, पता है वहां पर क्या हुआ है? वहां पर एक तेंदुए को ना ये महंगे महंगे फ्लैट्स पसंद आ गए दीपिका, और अब सोचिए अगर तेंदुआ सोसाइटी में मौजूद है तो वहां के लोगों का क्या हाल हो रहा होगा, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक सोसाइटी में जो तेंदुआ घुसा था उसको पकड़ पाने में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। वहीं अजनारा ली गार्डन में रहने वाले लोग खौफजदा हैं और दहशत के बीच घर से अपने काम के लिए निकल रहे हैं। इस बात की आशंका जताई जा रही कि जो फ्लैट्स के नीचे बेसमेंट्स की जो पार्किंग होती है
वो उसमें कहीं तेंदुआ छिपा हुआ है और उसी वजह से ये देखिए पूरा आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों ने पूरा दिन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और इस तरह से नेट से इसको लॉक किया गया है। ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे संवाददाता ने डीएफओ प्रमोद कुमार श्रीवास्तव से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने के लिए खास तैयारी की है। हमारे सर्च ऑपरेशन में हमने लोकेट किया है तो जितने एग्जिट पॉइंट हैं उनमें जाल लगाए गए हैं और 24/7 हमारी टीम यहां पर रह रही है। वन विभाग ने कहा है कि अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग होने की वजह से तेंदुआ कहीं भी छिपा हो सकता है। पता दीपिका प्रॉब्लम क्या है? देखो तेंदुआ हमारी सोसाइटी में नहीं आया है, हम उसके घर में गए क्योंकि ग्रेटर नोएडा की जो बड़ी बड़ी चमकदार आलिशान सोसाइटीज है ना, वहां पे पहले जंगल हुआ करते थे, खेत हुआ करते थे, बर्ड सेंचुरी भी पास में है। तो ऐसे में जब हम जानवरों के जो इलाका है उसे कब्जा कर लेंगे तो वो बेचारे कहां जाएंगे? वो कहां जाएंगे? और ये तेंदुआ काफी ज्यादा इन दिनों वायरल हो रहा है, लेकिन देश दुनिया में बहुत कुछ वायरल हो रहा है। दो मिनट के इस वायरल सेगमेंट में आप देख लीजिए क्या क्या वायरल हो रहा है। सड़क पर धू धू करके जलती कार की ये तस्वीरें ठाणे से सामने आई हैं, जहां सड़क पर अचानक एक कार में आग लगी तो हर तरफ हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक कार से अचानक धुआं निकलता देखकर आसपास के लोगों ने कार में बैठे लोगों को बताया और किसी तरह समय रहते सभी को बाहर निकाला। हालांकि जब तक फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची पूरी कार जलकर खाक हो चुकी थी। पूरी घटना का वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर पुणे रेलवे का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल वायरल हो रहे सीसीटीवी वीडियो में एक महिला चलती ट्रेन को पकड़ने की कोशिश करती है। वो पहले बेटी को डिब्बे के अंदर चढ़ाती है, फिर बैग रखती है और जैसे ही वो लपककर खुद ट्रेन पकड़ने की कोशिश करती है उसका पैर फिसल जाता है, लेकिन पास में ही मौजूद आरपीएफ जवान ने तेजी दिखाते हुए महिला की जान बचा ली। बेंगलुरु से एक दयालु पुलिसकर्मी का ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने इंटरनेट पर सभी का दिल जीत लिया। वीडियो में ट्रैफिक पुलिसकर्मी कबूतर को बचाने के लिए बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के कई फुट ऊंचे लोहे के होर्डिंग्स पर चढ़ जाता है। वो बड़ी फुर्ती और सावधानी से कबूतर तक पहुंचता है और पक्षी के पैर में फंसे धागे को खोलकर उसको आजाद कर हवा में उड़ने के लिए छोड़ देता है। सोशल मीडिया पर भी पुलिसकर्मी की हिम्मत और इंसानियत की जमकर तारीफ हो रही है। जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, बिल्कुल वैसे ही इंटरनेट पर मौजूद हर चीज सच नहीं होती। तस्वीरें देखिए, कैसे एक बच्चा दूर से बैठकर पानी में कंटेनर में पत्थर फेंकता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बच्चा ही इतनी दूर से सटीक निशाने लगा रहा है, लेकिन जैसे ही कैमरा बोतल के टुकड़े के पास बैठे दूसरे बच्चे पर जाता है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, क्योंकि दूसरा बच्चा पानी में कंकड़ गिरा रहा होता है। सोशल मीडिया पर नए साल की पार्टी का एक वीडियो वायरल हुआ है, जहां दुनिया भर में लोगों को चकाचौंध, ग्लैमर और ओवर द टॉप पार्टियों के बीच देखा गया। तो इसी बीच कुछ ऐसे लोग भी थे जो जोमैटो डिलीवरी बॉय के साथ नए साल का जश्न मनाते हुए दिखाई दिए। दरअसल नए साल की रात 12 बजे डिलीवरी बॉय खाना लेकर पहुंचा तो खाना ऑर्डर करने वाले लड़कों ने जोमैटो बॉय को अपने साथ न्यू ईयर पार्टी में शामिल कर उसके हाथों केक कटवाकर दिल जीत लिया। वैसे देखा जाए श्वेता, पहाड़ों में जाने का एक अलग ही मजा होता है और वो भी स्पेशली ठंड के मौसम में, क्योंकि हर तरफ सफेद बर्फ की चादर नजर आएगी, साफ सुथरी हवा नजर आएगी, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं पहाड़ पर कि डर सताने लगा है। कहीं तुम दीपिका जोशीमठ की तो बात नहीं कर रही, क्योंकि जोशीमठ की तस्वीरें वाकई डराने वाली आ रही हैं। वहीं से तो हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ भी जाते हैं, आईटीबीपी का कैंप भी वहां पर है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा जोशीमठ ही डूब जाएगा। आपको इस रिपोर्ट में दिखा देते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ में मकानों में दरार की समस्या गंभीर होती जा रही है। भारत चीन सीमा पर 20,000 की आबादी और लगभग इतनी ही आबादी की सैन्य छावनी वाला शहर जोशीमठ धंसता जा रहा है। धंसते घरों की वजह से दर्जनों लोगों ने अपना घर छोड़ दिया है। बुधवार को जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के पदाधिकारी स्थानीय विधायक के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से देहरादून में मुलाकात की और हालात की जानकारी दी। सर, हम लगातार समीक्षा कर रहे हैं। मैंने अभी दो दिन पहले ही मुख्य सचिव और जो हमारे आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारीगण हैं उन सबसे रिपोर्ट ली है और उसके लिए जो भी ज़रूरत होगी उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और जल्द ही एक दल सरकार की तरफ से वहां पर जाएगा और मैं भी स्वयं वहां जाऊंगा। इस बीच उत्तराखंड बीजेपी ने जोशीमठ में हो रहे भूस्खलन और नुकसान का आकलन करने के लिए 14 सदस्यीय समिति का गठन किया है। तो जोशीमठ में जो हालात बने हुए
बताया जा रहा है कि वैज्ञानिकों ने 50 साल पहले ही इसे प्रेडिक्ट कर दिया था कि जोशीमठ में धीरे धीरे ऐसा खतरा मंडराएगा। लेकिन इस बीच दिल्ली में जो हालात बने हुए दीपिका, उससे जुड़ी हुई भी एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, क्या है वो? बिल्कुल, बड़ी खबर ये है दिल्ली से कि ये जो पांचों आरोपी है उनकी आज जमानत खत्म होने वाली, आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और हो सकता है कि आज एक बार फिर से उन पांचों आरोपियों की रिमांड जो है वो बढ़ा दी जाए, क्योंकि अभी भी लगातार कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। आपको याद होगा कितनी दुखद घटना नए साल के दिन घटी थी और उसी को लेकर के आज पांचों आरोपियों को कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा, आज पेशी है और उसके बाद रिमांड को लेकर के फैसला लिया जाएगा, क्योंकि आज इन सभी पांचों आरोपियों की जो रिमांड है, जो पुलिस कस्टडी है, वो खत्म हो रही है। ऐसे बड़ी खबर ये भी है कि जो अंजलि की सहेली निधि, उसके बयानों के आधार पर जैसे उसने कहा कि जानबूझकर घसीटा गया अंजलि को, उसके बाद हो सकता है कि धारा 302 भी अब इसमें ऐड किया जाए और उसके बाद कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की जो मांग है वो लगातार न सिर्फ परिवार बल्कि पूरा देश कर रहा है। सही कह रही हैं आप। और दिल्ली में जिस तरीके की घटना हुई है, ठीक उसी तरीके की घटना बांदा जिले में भी हुई है। क्या हुआ है वहां पर, इस रिपोर्ट के माध्यम से जानिए। यूपी के बांदा में काफी देर तक सड़क पर संग्राम हुआ। हाईवे पर एक ट्रक आग का गोला बन गया। कृषि यूनिवर्सिटी के छात्र भी सड़क पर जमे रहे और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। दरअसल ट्रक ने कृषि यूनिवर्सिटी की एक महिला कर्मचारी को टक्कर मार दी और फिर स्कूटी समेत महिला को 2 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गया। स्कूटी से निकली चिंगारियों के चलते ट्रक में आग लगी और ट्रक पूरी तरह जल गया। घसीटे जाने से महिला का शव भी क्षत विक्षत हो गया, जिसके बाद छात्र उग्र हो गए। छात्रों को समझाने के लिए अधिकारी मशक्कत करते दिखे। घर्षण से फ्रिक्शन से आग लग गई, जिससे मौके पे ही उनकी मृत्यु हो गई है। इसमें पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। लोगों का कहना है कि ट्रक वाला जानबूझकर महिला को स्कूटी समेत घसीटता रहा। अब छात्रों ने महिला के परिवार को इंसाफ देने की मांग की है। और ऐसी खबरों को देखकर के लग रहा है कि आखिर दुनिया में हो क्या गया है लोगों को। पहले तो मारते हैं, एक्सीडेंट करते हैं और उसके बाद ऐसा लगता है कि जानबूझकर घसीटा जाता है। इतनी बेरहमी से लोगों को चोटिल कर रहे हैं, हो क्या गया है? क्या रास्ते में अब चलना भी हमें बंद कर देना चाहिए क्या? पता नहीं इस दुनिया में क्या ही हो रहा है यार। कहीं नाव पलट रही है, कहीं तबाही आ रही है, अलग अलग तरह की तस्वीरें सामने आ रही है जो वाकई डराती है। लेकिन डरना नहीं है, इसे हिम्मत के साथ लगे रहना है और ये भी जानना है कि दुनिया में चल क्या कुछ रहा है। सिर्फ 2 मिनट में बाली के पेनिदा आइलैंड पर एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। जानकारी के मुताबिक 34 टूरिस्ट को समंदर की सैर कराने के लिए लेकर निकली बोट अचानक किसी चीज से टकराई और धीरे धीरे करके पानी में डूबने लगी। सामने आई तस्वीरों में लोग बोट के ऊपर हिस्से पर चढ़े हुए हैं, जबकि कुछ लोग बोट के टूटकर गिरे हुए हिस्सों के सहारे खुद को डूबने से बचाते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि समय रहते पहुंची रेस्क्यू टीम ने सभी लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है। दक्षिणी वेस्ट बैंक में 2 फिलिस्तीनी गांवों के 5 घरों, पानी की टंकियों और बागों को ध्वस्त कर दिया गया है। फिलिस्तीनियों का आरोप है कि ध्वस्तीकरण के समय इजरायली सेना के जवान भारी भरकम हथियार लेकर आए और उनके घरों को कुछ ही मिनटों में नस्त नाबूद कर दिया। सामने आई तस्वीरों में भी इजरायली सेना के बुलडोजर घरों, बागानों, पानी की टंकियों को नष्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। पेरू की राजधानी में लीमा में हिंसक प्रदर्शन के खिलाफ सड़कों पर हजारों लोग उतरे। दरअसल अचानक सरकार के बदलाव के बाद हुए हिंसक विद्रोह के खिलाफ लोगों ने नारेबाजी की। सामने आई तस्वीरों में भी लोग पेरू का कई फीट लंबा झंडा लेकर हिंसा को रोकने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ पेरू की राष्ट्रपति डीना ने भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। अमेरिका के अलाबामा में भयंकर बवंडर आने की वजह से लोगों के बीच हड़कंप का माहौल है। राजधानी मॉन्टगोमरी में बवंडर की वजह से कई इलाकों की बिजली सप्लाई ठप हो गई है। तेज हवा की वजह से लोगों के घरों की छत उड़ गई तो वहीं सड़क पर चलती हुई गाड़ियां ही पलट गईं। जानकारी के मुताबिक इस पावरफुल तूफान के साथ कई जगहों पर ओले भी गिरे। ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई और शहरों में प्रदूषण की वजह से स्कूल को बंद कर दिया गया है। सामने आई तस्वीरों में भी तेहरान पर छाई धुंध की चादर को साफ तौर पर देखा जा सकता है। तेहरान के 162 AQI के जहां आलोचकों ने पावर प्लांट्स में नेचुरल गैस की बजाय मैजेट के इस्तेमाल को बताया है, तो वहीं सरकार ने मैजेट के इस्तेमाल से साफ तौर पर इनकार कर दिया है।
तो ईरान में स्मॉग ने स्कूलों को बंद करा दिया गया है और इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि प्रदूषण से बच्चों को बचाया जा रहा है, लेकिन स्मॉग तो कहीं और भी छा रहा है। दीपिका, शाहरुख खान की जो मूवी है पठान, जब से उसका गाना सामने आया तब से उस पर बवाल चल रहा है, तो अब ऐसा लग रहा है कि इस मूवी के रिलीज होने पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। मुझे तो लगता है श्वेता कि रिलीज तो चलो भले ये मूवी हो भी जाए, लेकिन ये जो प्रदर्शन जगह जगह हो रहा है उससे फ्लॉप जरूर इस मूवी को करवा सकते हैं। अहमदाबाद से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जहां पर आप समझ जाएंगे कि पठान फिल्म को लेकर के किस हद तक का विरोध किया जा रहा है। शाहरुख खान की परेशानियां कम नहीं हो रही, अभी फिल्म रिलीज भी नहीं हुई कि हंगामा चरम पर पहुंच गया। अहमदाबाद के मॉल में तो गदाधारी भैया अपनी सेना के साथ पहुंच गए और पोस्टर ही फाड़ डाली। शहर के अल्फा मॉल में शाहरुख खान के होर्डिंग्स लगाए गए थे। 25 जनवरी को फिल्म रिलीज से पहले फिल्म का प्रमोशन किया जा रहा था, लेकिन बजरंग दल वालों ने बवाल कर दिया, मॉल में ही जमकर उत्पात मचा दिया। फिल्म के होर्डिंग्स को फाड़ा गया और लातों से तोड़ा गया। काफी देर तक मॉल के अंदर हंगामा और बवाल होता रहा। बजरंग दल के कार्यकर्ता नारेबाजी करते रहे। थिएटर के अंदर घुसने की भी कोशिश की गई। पठान फिल्म के होर्डिंग्स और कटआउट्स को लेकर बजरंग दल के लोग पूरे मॉल में चक्कर काटते रहे और ऐलान किया कि किसी भी कीमत पर फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे। पहले मॉल के मैनेजर ने हंगामा कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की, फिर पुलिस बुलाकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को समझाया गया और घर भेजा गया। ऐसे लोगों से एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि आपको फिल्म पसंद है नहीं पसंद है, देखना है नहीं देखना, ये पूरी तरह से आपकी इच्छा है, लेकिन आप किसी और को इसको लेकर के परेशान नहीं कर सकते। मुझे लगता है ये बहुत गलत होता है श्वेता। और मुझे तो ये भी समझ नहीं आता दीपिका कि लोगों के पास कितना खाली वक्त है, मतलब हमें तो इतना वक्त भी नहीं मिलता है कि हम इन बातों पर ध्यान दे पाए। वैसे वाकई लोगों के पास खाली वक्त तो है, क्योंकि बिहार के वैशाली में भी कुछ ऐसा ही हुआ है जब दो गुट आपस में अपनी ताकत दिखाने लगे। अब क्या हुआ, कुछ लोग घायल होकर अस्पताल पहुंचे और कुछ लोग जेल जाएंगे। देखिए इस रिपोर्ट में। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वीडियो बिहार के वैशाली से आया है, जहां दो गुटों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, एक दूसरे पर पत्थरों से हमला किया गया। जिसके हाथ में जो कुछ आया उसी से फेंक कर हमला करने लगा। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद को लेकर इनके बीच मारपीट हुई। लमसम 20-22 साल से केस चल रहा है उस पर। कुछ गुंडा लोग सब जो है दलाली पर अपना उसको दिया है कुछ पैसा कि हमको कैप्चर करा दो, तो वही लोग मतलब एक बार और किया था। अच्छा। उस बार भी यही घटना था और इस बार आया था सब कोई तलवार लेकर के, कोई लठ लेकर के हम लोग पर सब पर टूट पड़ा। इस हिंसक झड़प में 4 लोग घायल भी हो गए, जिसमें एक लड़की भी शामिल है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी एक्शन में आ गई है। बाकी कैसे लड़े ये लोग, मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि पड़ोसी लड़े, ऐसा लग रहा है कि दो देशों की दुश्मन सेनाएं आपस में युद्ध कर रही हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। और हमेशा लोग यही कहते हैं, आपके माँ बाप भी यही कहते होंगे कि जब आपका दिमाग गर्म हो तो चुप रहिए, कुछ मत कहिए, क्योंकि देखिए बातचीत से तो हल निकल सकता है, लेकिन ये हरकत जो आप अपनाते हैं, ये जो तरीका आप गुस्से में अपनाते हैं, वो नहीं अपनाना चाहिए। क्योंकि बातचीत से अगर हल होना होता तो युद्ध अब तक खत्म नहीं हो गया होता रूस और यूक्रेन के बीच। इसी बीच वॉर जोन में क्या कुछ चल रहा है 2 मिनट में देख लीजिए। रूस ने यूक्रेन युद्ध के बीच अटलांटिक महासागर में जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस एडमिरल गोर्शकोव युद्धपोत की तैनाती की है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जहाज के कमांडर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की और दुनिया के सामने खुद इस मिसाइल की मौजूदगी का खुलासा किया। बता दें कि रूस के मुताबिक जिरकॉन दुनिया की सबसे तेज उड़ने वाली मिसाइल है और इसे अब रूस युद्ध में तैनात कर चुका है। यूक्रेन के रूसी सैनिकों पर ताबड़तोड़ हवाई हमलों के बाद अब रूस ने भी घातक हमले शुरू कर दिए हैं। ताजा तस्वीरों में रूसी सेना ने यूक्रेनी सैन्य ठिकानों और बख्तरबंद वाहनों समेत यूक्रेन सेना के जवानों को भी नेस्त नाबूद करने का दावा किया है। रूस का दावा है कि ये सभी निशाने उन्होंने नई जनरेशन के हथियारों से लगाए हैं। बता दें कि हाल ही में यूक्रेन ने रूस के 89 सैनिकों को मार गिराया था। डोनेट्स्क में यूक्रेनी सेना की एयर स्ट्राइक का ठीकरा रूसी रक्षा मंत्रालय ने अपने ही सैनिकों पर फोड़ दिया है। ताजा बयान में रूस का कहना है कि उनके सैनिक अवैध रूप से मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसकी वजह से यूक्रेनी सेना टारगेट सेट करके निशाना बना पाई। बता दें कि पहले रूस ने अपने 63 सैनिक मारे जाने की बात कही थी, लेकिन अब ये आंकड़ा 89 हो चुका है। वहीं यूक्रेन ने 400 से ज्यादा रूसियों को मारने का दावा किया।
यूक्रेन में एक ट्रेनिंग कैंप के पास आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। ताज़ा जानकारी के मुताबिक यूक्रेन के टॉम्स्क में अचानक एक घर में आग लग गई, जो तेजी से फैलते हुए ट्रेनिंग कैंप तक भी पहुंच गई, जिसकी वजह से कैंप में ट्रेनिंग कर रहे सिपाहियों का काफी सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि इस हादसे में किसी के भी हताहत होने की खबर अब तक सामने नहीं आई है। बता दें कि टॉम्स्क के इस कैंप में लोगों को जंग के लिए ट्रेन किया जा रहा था। रूस के खिलाफ युद्ध में यूरोपीय देश लगातार यूक्रेन की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। हाल ही में फ्रांस ने एक बार फिर यूक्रेनी सैनिकों के लिए सैन्य मदद भेजी है। ताज़ा मदद की खेप में यूक्रेन को इस बार हथियारों से लैस MX-10 RC विल्ड टैंक मिले हैं, जो कि दुश्मन सेना के बख्तरबंद और हथियारबंद वाहनों को उड़ा देने में सक्षम हैं। बता दें कि रूस यूक्रेन के बीच 11 महीने से युद्ध जारी है। न्यूज बहुत ज्यादा बड़ी और जरूरी हो जाती है आपके लिए जाना, क्योंकि जम्मू में आतंकी हमले के बाद से हाई अलर्ट पर है केंद्रीय सरकार, और इसी को लेकर के देखिए सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। CRPF से 1800 जवानों को भेजा गया है जम्मू कश्मीर। दिल्ली से जम्मू कश्मीर भेजे गए हैं CRPF के 1000 जवान, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं इसकी गंभीरता को, केंद्र सरकार कितनी गंभीर है सुरक्षा को लेकर। तो दिल्ली में जम्मू कश्मीर दिल्ली से भेजे गए हैं CRPF के 1000 जवान। पुंछ और राजौरी में सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती इसको लेकर के की जाएगी। CRPF के 1800 जवानों को भी जम्मू कश्मीर भेज दिया गया है, और लगातार जिस तरीके से आतंकी हमले हो रहे हैं, खासतौर पर जो अल्पसंख्यक हिंदुओं को टारगेट वहां पर किया जा रहा है, कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जा रहा है, ऐसे में अब अतिरिक्त सुरक्षा बल के जवानों की तैनाती जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में होने वाली। तो इसी के साथ साथ ये प्रोटेस्ट की खबरें हमने आपको बताई, ब्रेकिंग न्यूज आपको बताई, लेकिन एक और समाज है जो काफी ज्यादा नाराज चल रहा है, वो है जैन समाज, जिसको लेकर के कोई भी राजनीतिक दल उनकी बात सुनने को राजी नहीं है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं और आगे का प्लान जैन समाज के लोगों का क्या है, वो रिपोर्ट भी देख लेनी चाहिए। जैन धर्म के तीर्थ स्थल का मामला अब काफी सियासी तूल पकड़ता जा रहा है, इसमें अब कांग्रेस भी कूद पड़ी है। राहुल गांधी ने जैन समाज की मांगों का समर्थन किया है, तो वहीं AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने इस मसले पर सरकार को आड़े हाथ लिया है। जैन समुदाय के विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए मोदी सरकार जल्द ही इसके बारे में कोई बड़ा फैसला ले सकती है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय का अलग अलग एजेंसियों के साथ मंथन जारी है। बता दें कि झारखंड में स्थित जैन तीर्थ स्थल समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल में बदलने पर विवाद खड़ा हुआ है। झारखंड सरकार के फैसले के खिलाफ जैन समुदाय के लोगों ने मोर्चा खोल दिया है, जिस पर अब मोदी सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करने वाली है। और मुझे तो लगता है दीपिका बहुत ही वाजिब मांग है इनकी, ऐसे बेचारे वो बहुत कम संख्या में बचे हुए हैं। इसके अलावा उनके पास अगर किसी का कोई ऐसा धर्म स्थल है उसको आप पर्यटन स्थल बना देंगे तो फिर वो अपने महत्व को खो देगा, यानी कि नाराज होना उनका जायज है। और काशी विश्वनाथ की खबर आपको दिखाते हैं, वहां पर क्या नई पहल की गई है, बनारस का नया पर्यटन स्थल क्या है, एक मिनट पे देखिए इस रिपोर्ट को। काशी विश्वनाथ के दर्शन अब श्रद्धालु घर बैठकर कर सकेंगे। मंदिर प्रबंधन ने बाबा विश्वनाथ के लाइव दर्शन करने की शुरुआत की है, अब घर बैठकर भी रोजाना बाबा के दर्शन किए जा सकेंगे। YouTube चैनल पर श्री काशी विश्वनाथ चैनल बनाया गया है, जहां रोजाना भगवान विश्वनाथ की आरती का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। 4-5 साल से ये भी था कि हम लोग लाइव दर्शन भी करा रहे थे, अभी तक टाटा कम्युनिकेशन के माध्यम से कराया जाता था, क्योंकि टाटा कम्युनिकेशन ने बाद में इसको बंद कर दिया जून में, तो हम लोगों ने अपने संसाधनों से इसको फिर लाइव दर्शन YouTube के माध्यम से उनके सब पे कराना शुरू कर दिए। वहीं काशी में अब पर्यटन को बढ़ाने की पहल भी शुरू कर दी गई है। गंगा तट पर टेंट सिटी बसाई जा रही है, जहां लोगों को 5-स्टार सुविधाएं दिए जाने की तैयारी है। गंगा के दूसरे छोर पर टेंट सिटी बसाई जा रही है, यानी तंबुओं का शहर अब दूसरे छोर पर देखने को मिलेगा, यानी आध्यात्म के साथ साथ अब पर्यटन को एक नई ऊंचाई देने की कोशिश की जा रही है। यानी कि श्वेता जो हमारे दर्शक हैं, वो अब घर बैठे भगवान के दर्शन कर पाएंगे और पुण्य कमा पाएंगे। वैसे श्वेता आप तो बनारस की, आप भी यहाँ पर बैठकर के लाइव तस्वीर देख पाएंगी, दर्शन कर पाएंगी, क्योंकि बनारस तो मैं जा नहीं पा रही हूँ, क्योंकि उन्हें अपने फिट इंडिया का ये सुपर शो भी तो अपने दर्शकों को दिखा रहा है। ऐसे में मुझे भी लगता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन अब मुझे लाइव ही करने पड़ेंगे। वैसे बहुत सारी पहल देश में और भी हो रही है, क्या कुछ देश में और हलचल है दिखा देते अपने दोस्तों को सिर्फ 2 मिनट में।
आज पीएम मोदी ऑल इंडिया वाटर मिनिस्टर्स मीट में शामिल होंगे। समिट की थीम वाटर विजन 2047 होगी और इसी पर पीएम मोदी अपने विचार देश और मंत्रियों के साथ साझा करेंगे। इस बैठक को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने भोपाल में आयोजित किया है, जिसमें एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई मंत्री शामिल होंगे। पीएम मोदी 6 और 7 जनवरी को दिल्ली में मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। पीएमओ की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक इस कॉन्फ्रेंस में एमएसएमई, बुनियादी ढांचे, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और पोषण, कौशल विकास समेत 6 विषयों पर चर्चा होगी। बता दें कि मुख्य सचिवों का पहला ऐसा सम्मेलन जून 2022 में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित किया गया था। आज भारत और फ्रांस के बीच नई दिल्ली में 36वीं सामरिक वार्ता यानी स्ट्रेटेजिक डायलॉग होगा, जिसमें भारत की तरफ से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मौजूद होंगे, जबकि फ्रांस की तरफ से राष्ट्रपति मैक्रों के राजनयिक सलाहकार एमैनुअल मौजूद रहेंगे। वार्ता में दोनों पक्ष विस्तृत द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बता दें कि 35वीं भारत फ्रांस रणनीतिक वार्ता नवंबर 2021 में पेरिस में हुई थी। यूपी के चंदौली में एक नाबालिग बच्ची से रेप का मामला सामने आया है। पीड़िता के परिजनों के मुताबिक बच्ची बाजार से कुछ सामान लेने के लिए गई थी, लेकिन जब वो देर रात तक भी घर नहीं लौटी तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की, जिसके बाद परिजनों ने अगले दिन रात 8 बजे करीब पीड़िता को आरोपी के घर से बरामद किया। बता दें कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। दिल्ली में आवारा डॉग्स की मसीहा के नाम से फेमस हो गई 80 साल के बुजुर्ग के इविक्शन पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। दरअसल कुछ दिन पहले ही एमसीडी ने साकेत इलाके में मौजूद बुजुर्ग की झुग्गी और झोपड़ी को तोड़ दिया था। बुजुर्ग का आरोप है कि एमसीडी की तरफ से आए लोग उनका सामान भी छीन कर ले गए थे, जिसकी वजह से वो अपने डॉग्स को कुछ नहीं खिला पा रही हैं। बता दें कि कड़कड़ाती ठंड में बुजुर्ग ने करीब 250 डॉग्स को अपने घर में पनाह दी थी। दीपिका, इन क्राइम्स ने तो वाकई देश को दहला कर रख दिया, और सबसे सबसे जो शर्मिंदगी होती है जिन खबरों को अपने दर्शकों को जब हम भी बताते हैं, हमारे लिए भी बहुत मुश्किल होती है, वो ये कि बच्चियों से रेप, कैसे मानसिकता वाले लोग होते हैं, और मुझे लगता है इनके लिए तो दरिंदा शब्द भी कम पड़ जाता है। हैवानियत होती है, और ऐसे लोगों को जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी बहुत जरूरी हो जाती है। वैसे अंजलि केस में भी अब देखिए परिवार वाले जो है वो पुलिस से कुछ नई मांग कर रहे हैं, वो मांग क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली के कंझावला कांड से जुड़ा दो और वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि देर रात वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने सुबह 4:51 पर रोहिणी के सेक्टर 1 में गाड़ी को पार्क किया। उसके बाद पुलिस ने इसी जगह से सुबह 6:55 पर कार को पार्किंग से रिकवर किया था। कंझावला कांड के आरोपियों को आज रोहिणी कोर्ट में पेश किया जाएगा। बताया जा रहा है कि पुलिस एक बार फिर पांचों आरोपियों की रिमांड मांग सकती है। इस बीच सूत्र बता रहे हैं कि आज पुलिस गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट भेज सकती है। दूसरी तरफ अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बेरहमी के सबूत मिले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शरीर पर 40 चोटों के निशान हैं। एफएसएल की टीम ने कार और स्कूटी के साथ पूरे घटनाक्रम को एक बार फिर रिक्रिएट भी किया है। इस बीच पीड़ित परिवार ने सुल्तानपुरी थाने के एसएचओ से मुलाकात की है और जांच तेज करने की मांग की है। अंजलि के परिवार के साथ साथ पूरा देश यही मांग कर रहा है, यही उम्मीद कर रहा है कि सच सामने आए और सच और झूठ का फैसला हो जाएगा। लेकिन जो निधि, जो अंजलि के साथ उस वक्त मौजूद थी, उसने जो बयान दिया है श्वेता, उसको लेकर के अब सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि यार अगर हम एम्पथाइज करें, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मुझे चोट लगे तो मुझे छोड़ के भाग जाओ? कभी नहीं, है ना। तो निधि ने जो बातें कही हैं और जिस तरीके से वो एक्सीडेंट के बाद छोड़कर भाग गई, उस पर महिला आयोग ने भी पहले सवाल उठाए और अब अंजलि का परिवार भी सवाल उठा रहा है, और विश्वास नहीं अंजलि के परिवार को निधि ने जो कुछ भी कहा है उसको लेकर। आपको इस रिपोर्ट में दिखा देते हैं पूरी खबर। दिल्ली के कंझावला मामले में दो नया वीडियो सामने आया है, जिसमें अंजलि की दोस्त निधि पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पहली तस्वीर में निधि हादसे की जगह से 150 मीटर दूर भागती हुई नजर आती है, जबकि दूसरी तस्वीर में अंजलि को कुचलने वाली कार है। अंजलि के परिवार ने निधि पर भी धारा 302 के तहत केस दर्ज करने की मांग की है और कहा कि उनकी बेटी शराब नहीं पीती थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये बात नहीं आई है। वहीं अंजलि के मामा ने भी कहा कि होटल निधि के नाम पर रजिस्टर्ड था और अंजलि को उसने गुमराह करके बुलाया, फिर उनके बीच में कहासुनी हुई, अब निधि बचने के लिए पुलिस को गुमराह कर रही है। वहीं दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मारीवाल ने भी
अंजलि की दोस्त निधि पर सवाल खड़े किए हैं और कहा कि निधि से सख्ती से पूछताछ हो ताकि सच सामने आ सके। तो अंजलि के साथ जो कुछ भी हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और हर कोई चाहता है कि अंजलि को जल्द से जल्द उसके परिवार को इंसाफ मिले। मुआवजे का तो ऐलान हुआ है लेकिन वो काफी नहीं है। परिवार ने अपने को खोया है। अपनों को खोया और अपने को खोने का डर क्या होता है, उस माँ से पूछिए जिसने अपनी एक लौती बेटी को खोया है। हम तनीषा शर्मा की बात करें जिसको लेकर के आज अरदास भी रखी गई है गुरुद्वारे में, और कलाकारों की जिंदगी में क्या कुछ चल रहा है दो मिनट के इस एंटरटेनमेंट सेगमेंट में ये भी देख लीजिए। एक्ट्रेस तनीषा की बर्थ एनिवर्सरी पर शीजान की बहन फलक नाज ने उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर याद किया और कुछ अनसीन फोटो भी शेयर किए। फोटोज में शीजान की बहन के साथ तनीषा बेहद खुश नजर आ रही हैं। फोटोज के अलावा फलक ने बेहद भावुक कर देने वाला कैप्शन भी शेयर किया है जिसमें वो तनीषा को याद करते हुए उन्हें बर्थडे विश कर रही है। फलक ने कैप्शन के अंत में लिखा, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी सुकून की तलाश अब खत्म हो गई होगी। फिल्म पठान के प्रमोशंस में जुटे शाहरुख खान ने ट्विटर पर एक आस्क शाहरुख सेशन ऑर्गेनाइज किया और हमेशा की तरह फैंस के पूछे गए सवालों का शाहरुख ने इतने ह्यूमरस और फनी स्टाइल के साथ जवाब दिया कि उनके जवाब तक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक शख्स ने ट्वीट करके शाहरुख से कहा कि पठान डिजास्टर होगी, रिटायरमेंट ले लो, लेकिन इसका जवाब जो शाहरुख ने दिया वो वायरल हो रहा है। शाहरुख ने शख्स को लिखा कि बेटा बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म पठान का ट्रेलर आने वाले 10 जनवरी को रिलीज होगा। रिपोर्ट्स की माने तो पठान का ट्रेलर 2 मिनट 37 सेकंड का होने वाला है। बताया जा रहा है कि ट्रेलर में एक्शन सीक्वेंस, म्यूजिक स्केल और हीरोइज्म भरपूर होगा। ऐसी उम्मीद है कि ट्रेलर में शाहरुख खान और जॉन अब्राहम का तगड़ा फेस ऑफ देखने को मिलेगा। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन के बाद भी फिल्म के टाइटल में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। हाल ही में एक्ट्रेस तारा सुतारिया और आदर जैन के ब्रेकअप की खबरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही थी। फिलहाल इन रूमर्स के बीच तारा अपूर्वा की रैप अप पार्टी में ग्लैमरस अवतार में नजर आईं, जिसके कुछ फोटो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर किए हैं। इस लुक में तारा बेहद खूबसूरत लग रही हैं। बता दें कि तारा सुतारिया ने हाल ही में अपनी अपकमिंग फिल्म अपूर्वा की शूटिंग पूरी की है। जन्नत टू फेस एक्ट्रेस ईशा गुप्ता फिलहाल दिल्ली में हैं और दिल्ली की सर्दियों का भरपूर लुत्फ उठा रही हैं। दरअसल एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर स्पेनिश बॉयफ्रेंड मैनुअल कैंपस ग्वालर के साथ एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ दिल्ली की सर्दी का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रही हैं। वीडियो में दोनों हाथों में हाथ डाले एक दूसरे के साथ मस्ती करते हुए नजर आए। वीडियो के बैकग्राउंड पर ईशा गुप्ता की फिल्म जन्नत 2 का गाना तुझे सोचता हूं बज रहा है। तो कलाकारों की जिंदगी से जुड़ी ये दो मिनट की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, लेकिन श्वेता उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ हैं वो भी इन दिनों मुंबई में हैं और कुछ नया करने की कोशिश वो कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जो उनकी उम्मीद है वो पूरी हो। उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर्स आए, उत्तर प्रदेश में विकास हो, उत्तर प्रदेश में लोगों को रोजगार मिले, इसी कोशिश में योगी आदित्यनाथ लगे हुए हैं। आज मुंबई में उद्योगपतियों से मिलेंगे, फिल्मी जगत के सितारों से भी मिलेंगे, लेकिन पता है मुश्किल क्या है दीपिका? हमारे देश में कुछ भी हो, कोई भी मुद्दा हो, सियासत उस पर जरूर होती है, ये तो विडंबना है। और देखिए समाजवादी पार्टी को ना इसमें भी सियासत सूझ रही है। देखिए रिपोर्ट। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को निवेशकों के लिए उत्तम प्रदेश बनाने के मिशन पर हैं। उसी अभियान के तहत सीएम योगी आज मुंबई में एक रोड शो करने वाले हैं। सीएम योगी का होटल ताज में बैंक अधिकारियों के साथ मीटिंग का भी कार्यक्रम है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर और प्रोड्यूसरों से भी मुलाकात करेंगे। लेकिन योगी सरकार के ग्लोबल इन्वेस्टर मीट पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल खड़े कर दिए हैं। ये केवल धोखा देने के लिए आयोजन है। पहले मंत्रियों को विदेश भेजना, फिर खुद शहर शहर जाना, फिर G20 के कार्यक्रम यूपी में जाते करना। सबसे बड़ी बात तो ये आएगी सामने कि इनके पास इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है। अखिलेश यादव यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि अगर निवेशक NCRB के आंकड़े देख लेंगे तो वे शायद निवेश करने से भी कतराएंगे। तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को विकास की नई राह पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर कुछ सबसे अजब है ना वो है वहाँ की सियासत। समाजवादी पार्टी को अब निकाय चुनाव में भी सियासत नजर आ रही है और बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ। आरोप प्रत्यारोप तो यहाँ सियासत में चलता रहता है, राजनीतिक पार्टियों के बीच चलता रहता है, नेताओं के बीच चलता रहता है, लेकिन निकाय चुनाव को लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर निकाय चुनाव होंगे कब। इसी से जुड़ी एक शॉक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासी घमासान जारी है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद समाजवादी पार्टी प्रदेश की योगी सरकार पर और हमलावर हो गई है। देखिए ओबीसी के आरक्षण को लेकर खिलवाड़ हुई है और सरकार ने जानबूझ के किया है। सुप्रीम कोर्ट में कई बार इस तरह के फैसले आए हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ये, जो सरकार ने जानबूझ के किया है क्योंकि सरकार फेस नहीं करना चाहती इलेक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें कहा गया था कि यूपी में जल्द से जल्द निकाय चुनाव हो। सर्वोच्च अदालत ने जनवरी तक चुनाव कराने की हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। इससे साफ हो गया कि अब ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बाद ही यूपी में नगर निकाय के चुनाव हो पाएंगे जिसमें करीब 3 महीने का वक्त लगेगा। दरअसल 5 दिसंबर को यूपी सरकार ने नगर निकाय के चुनाव के लिए आरक्षण सूची जारी की थी जिसके खिलाफ कई याचिकाकर्ताओं ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने योगी सरकार को बड़ी राहत दे दी है। तो देखिए एक बात तो साफ है, नगर निगम चुनाव में अच्छा खासा वक्त है, ऐसे में सभी पार्टियों को तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि अगर जब आप हार जाते हैं तो कम से कम ये इस बात की तकलीफ ना हो कि आपको वक्त नहीं मिला। इसलिए जल्दी से अपने कार्यकर्ताओं को आप ड्यूटी पर लगा दीजिए, तैयारी शुरू कर दीजिए। अब हार जीत की तुमने बात की रेबिका, तो टीम इंडिया आज फिर से जीतने के लिए मैदान में उतरने वाली है। इसके अलावा स्पोर्ट्स जगत में और क्या कुछ हलचल है वो दिखा देते हैं सिर्फ 2 मिनट में। सड़क हादसे में घायल हुए टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत को बेहतर इलाज के लिए देहरादून से मुंबई एयरलिफ्ट किया गया। मुंबई में ऋषभ को कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बीसीसीआई की जानकारी के मुताबिक ऋषभ का ट्रीटमेंट डॉक्टर दिनशो पारदीवाला की देखरेख में होगा। डॉक्टर पारदीवाला इससे पहले सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा जैसे क्रिकेटर्स का इलाज कर चुके हैं। श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज के पहले मुकाबले के दौरान सैमसन के घुटने पर चोट लगी थी जिसकी वजह से वो चोटिल हो गए हैं। फील्डिंग के दौरान चोटिल होने की वजह से सैमसन टीम के साथ मुंबई नहीं पहुंचे हैं। वो अब सीरीज के बाकी बचे दोनों मैचों से बाहर हो गए हैं। अब उनकी जगह जितेश शर्मा को टीम में शामिल किया गया है। बता दें कि 29 साल के जितेश शर्मा विदर्भ के लिए घरेलू मैचों में खेलते हैं। उन्होंने 2014 में अपना पहला मैच खेला था। बीसीसीआई जल्द ही अपनी नई सिलेक्शन कमेटी का ऐलान कर सकता है। इसके लिए क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी ने कैंडिडेट्स के इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स की माने तो सीएससी ने अब तक अजय रात्रा, अमय खुर्सिया और एक सरफ जैसे उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया है। इसके अलावा क्रिकेट सलाहकार समिति ने चेतन शर्मा और हरविंदर सिंह का भी इंटरव्यू लिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि मुख्य चयनकर्ता के तौर पर चेतन शर्मा की वापसी संभव है। पिछले मैच में फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया था और अब फीफा वर्ल्ड कप की जीत का जश्न मनाने और आराम करने के बाद लियोनेल मेसी पेरिस लौट आए हैं। 35 साल के मेसी फ्रांस के पेरिस सेंट जर्मन के लिए क्लब फुटबॉल खेलते हैं। इसी क्लब में फ्रांस के किलियन एम्बापे और ब्राजील के नेमार भी हैं। जब मेसी क्लब के लिए ट्रेनिंग करने उतरे तो स्टाफ और साथी खिलाड़ियों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा कराची टेस्ट रोमांचक मोड़ पर है। हालांकि अभी दोनों टीमें बराबरी पर हैं, लेकिन मुकाबले के तीसरे दिन पाकिस्तान की टीम ने पहली पारी में 9 विकेट पर 407 रन बना लिए हैं। स्टंप्स के बाद सऊद शकील 124 रन बनाकर नाबाद लौटे। अबरार अहमद उनका साथ दे रहे हैं, हालांकि अबरार खाता नहीं खोल पाए हैं। न्यूजीलैंड की ओर से सबसे ज्यादा एजाज पटेल ने 3 विकेट लिए हैं। तो मुझे लगता है दीपिका खबरों का पूरा डोज है ना आज का वो हमने दर्शकों को दे दिया, लेकिन इसके अलावा भी देश में और क्या कुछ आज खास होने वाला है वो भी बता देते हैं। एक एक करके वो सारी खबरें हम आपको बताएंगे जो आज दिन भर सुर्खियों में रहने वाली है। सबसे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो कर्नाटक दौरे पर है, कार्यकर्ताओं को संबोधित वो करने वाले हैं और साथ ही मंदिरों में जाकर के दर्शन भी करेंगे। इसके अलावा क्या कुछ होने वाला है, बिहार के बांका में पदयात्रा शुरू करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष, 1200 किलोमीटर लंबी पदयात्रा करने वाले हैं जिसमें 17 जिले और साथ ही साथ गया में ये यात्रा संपन्न होगी, ये भी जानकारी मिल रही है। और साथ ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आप देखिए आगे बढ़ती हुई हरियाणा की तरफ जा रही है, इससे जुड़े हर एक अपडेट आपको बताएंगे क्योंकि अब ये यात्रा गाँव से होकर गुजरने वाली है। बिल्कुल, और पानीपत के सनौली खुर्द गांव में आज यात्रा का पड़ाव जो है वो अगला है। इसके अलावा दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत पर सुनवाई है और दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई होने वाली है, तो इस खबर पर भी नजर रहेगी पूरे दिन। और इसी के साथ श्रृंगार गौरी केस में सनातन संघ की याचिका पर सुनवाई होने वाली है जो
की काफी अहम है, इसको लेकर के भी अपडेट देंगे। और साथ ही मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक, शिवलिंग पूजा की मांग की जा रही है, इससे जुड़े अपडेट भी आज दिन भर आप देखेंगे। इसके अलावा छेड़छाड़ मामले में हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह से पूछताछ होनी है, थाने बुलाकर हो सकती है संदीप सिंह से पूछताछ। छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है एक महिला की तरफ से, जिसमें ये पूछताछ उनसे की जाएगी। और एक और अहम खबर आपको बता दें, श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफताब की कोर्ट में आज पेशी होगी, आज खत्म हो रही है आफताब की न्यायिक हिरासत, इससे जुड़ी अपडेट भी आगे आपको बताएंगे। तो मुझे लगता है कि हमारी जो एक्सरसाइज है वो भी ऑलमोस्ट पूरी हो गई है, एक घंटे का वक्त हो चुका है। इसके अलावा जो खबरें हैं देश दुनिया हर तरह की वो भी हमने आपको बता दी। अब क्या और आज की जो दिन भर की बड़ी खबरें हैं, क्या क्या आज हम दिखाने वाले हैं, कौन सी खबर सुर्खियों में रहेगी, वो भी हमने आपको बता दी है हेडलाइंस के तौर पर। डिटेल के लिए आप टाइम्स ऑन नव भारत देखते रहिए। फिलहाल फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में इतना ही। टेंशन किस बात की, सेंचुरी एमडीएफ का लो एमिशन प्रीमियम